हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हमने महादेव के दर्शन कर लिए श्री रामेश्वर मंदिर में आएगा, और अभी हम कर रहे हैं फोटो शूट। हर हर महादेव। ये रहो मंदिर, ये चल रहा है फोटो शूट। ये रहा मंदिर, हर हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं होटल में, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई, तो भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम आ गए अब राम सेतु धनुषकोडी। भाई यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, वो पीछे तक चल रहा है। यहाँ पे दो समुद्र मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन। हवा भी बहुत तेज चल रही है, शायद मेरी आवाज ना आए। भाई ये है राम सेतु, ये जहाँ जूम कर रहा हूँ यहाँ, ये राम सेतु है जो भगवान राम ने बनाया था जब माता सीता को लेने लंका जा रहे थे। ये देखो व्यू, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो राम सेतु के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े APJ अब्दुल कलाम जी के घर। तो जब हम राम सेतु से वापस आ रहे थे तो हमको बीच रास्ते में धनुषकोडी का ओल्ड रेलवे स्टेशन मिला, जहाँ पे 1994 में बाढ़ आई थी और उसके बाद से यहाँ सब पूरे गांव के गांव उजड़ गए और यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो 5 बजे के बाद भी आज भी यहाँ पे कोई नहीं आता। अभी हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर आए हैं, हमारे चप्पल निकाल दो। देखो यहाँ पर कुछ खास था नहीं, अगर आना चाहो आ सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे कलाम साहब की इंफॉर्मेशन के बारे में कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, उनकी यूनिफॉर्म और भी बहुत कुछ, उनकी मिसाइल्स। और सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे पुलिस स्टोर है पूरा, बट ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट ही रहा वैसे। ये है बाणगंगा, अभी आपको इसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। यहाँ कुआ है, बाकी तरफ समुद्र है। तो इस कुएं में मीठा पानी आता है, बोलो जय श्री राम। भाई भगवान राम का, भगवान शिव का मंदिर है। अभी हम आगे चल के दिखाते हैं आपको, कुआं वहां सीधा है, जहाँ भीड़ लग रही है ना, वहाँ है कुआं। रानी वो देख के देख के देख के देख के देख के बहुत सुंदर लग रहा है यार, साउथ में हर जगह सुंदर है यार। यहाँ पे समुद्र है और भगवान राम, बड़ी बड़ी थी अंकल की।
हवा बहुत तेज चलती है। दिस इज फॉर्म बाय लॉर्ड राम। अरे मीठा आएगा जो आएगा। नहीं कुछ कुएं का मीठा है वहां का खाना। हाँ सच में कुएं का पानी बहुत वो वैसा है पीने लायक समुद्र का। नानी था मीठा पानी अभी यही आ रहे नीचे जाइए क्या करना है यार एक्सपीरियंस है नहीं एक्सपीरियंस वृंदा एक्सपीरियंस अबे इसका बता। हाँ, इसका ही बहुत सुंदर है। समुद्र के पानी कैसा था कुएं का पानी कैसा था? समुद्र का पानी थोड़ा सा सॉल्टी था। थोड़ा? ज़्यादा और थोड़ा सा। हमारा इंटरव्यू भी ले ला। पूछा था तब तो मैंने दिया नहीं। और कुछ अदर एक्सपीरियंस? बहुत बकवास करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम एक विश का सिक्का डाल रहे हैं भाई, हमारी विशेस पूरी होंगी। ये लो।
ये हमारे कान्हा जी, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, ये कृष्ण जी, राधा जी, ये लड्डू गोपाल जी, ये लड्डू गोपाल जी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो पास होने का तेरा प्रियांश, कुछ और तो नहीं निकल जाएगा, चटक गया दिमाग इसमें। ले फूफा जी बजाएंगे अभी। बजा नहीं, सही नहीं है। तू भी शंख बजा के देख ले। हाँ भाई। बाकी लोग कहाँ गए? अक्षु भैया कुछ कुछ तो हो रहा। बजा दिया भाई, बजा दिया। तो अब हम बाण गंगा से निकल गए राम झरोका की तरफ, जहां भगवान राम ने लंका का निरीक्षण किया था। भाई नहीं पता क्या है, बस घूमने आए कि राम जी ने यहां से, इतना हमें पता है कि सिर्फ राम जी ने यहां पर चढ़कर श्रीलंका का निरीक्षण किया था कि वो कितनी दूर है, बस हमें इससे ज्यादा बाकी अभी कुछ नहीं पता। इतना लंबा देखो, इतना लंबी हाइट पे आ गया कि बुर्ज खलीफा भी दिखने लग गया। और ये रहा रामेश्वरम मंदिर। ऊपर चल के देखते हैं क्या है, ऊपर से और व्यू सुंदर आया, बहुत सुंदर व्यू है भाई। हमका फीलिंग आया कि हम उका फैशन बिगाड़ दिया था, ये लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। भाई यहाँ से भगवान राम ने श्रीलंका का निरीक्षण किया था कि यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ से हमको भगवान रामेश्वर का मंदिर भी दिख रहा है, ये देखो, ये देखिए भगवान रामेश्वरम का मंदिर, बहुत ब्लर आ रहा है क्योंकि बहुत ज़ूम है। वही यहाँ से लंका का निरीक्षण किया था भगवान श्री राम ने। वही लंका, इस तरफ है लंका, इसी तरफ है रामेश्वरम। वही व्यू बहुत सुंदर। वाओ ब्यूटीफुल। क्या हो गया? तो भाई अभी हम आए थे वहां जहां भगवान राम ने श्रीलंका का निरीक्षण किया था कि यहां से कितनी दूर है और वहां क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक तरह से पूरा सर्वे किया था कि वहाँ पे जाना कितना आसान रहेगा, किस जगह से आसान रहेगा। तो वहाँ से ये यहाँ से निरीक्षण किया था इस मंदिर से। पहले यहाँ पे पहाड़ हुआ ऐसा हमको ऊपर पता लगा। तो अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर और वहाँ से जाएंगे हम फ्लोटिंग स्टोन देख। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, जैसा अभी बताया था, हम फ्लोटिंग स्टोन देखने आए हैं हनुमान जी के मंदिर में। ये अभी ये तो मंदिर अच्छा है, ये वाला मंदिर है। हेलो हेलो हेलो, फोटो क्या कर रहे हैं? मंदिर है क्या है? फोटो स्टूडियो है क्या? Thank you.
जय बजरंग बली। ये 12 महीना आसाजिया अवैध चोरी शनि महाराजिया 50 साल से चल रहा है। ये के कुटुंब परिवार का तीन लीटर तेल जड़ाएगा। आपका परिवार के लिए शनिवार के दिन है एक तीन का दो तीन का तेल का सेवा। तो भाई ये है फ्लोटिंग स्टोन, आप देख सकते हैं पानी के नीचे सिक्के हैं और पानी के ऊपर पत्थर है। यार फोटोज और वीडियोस तो अलाउड थी नहीं मंदिर में, लेकिन फिर भी बना ली हमने एक हनुमान जी बहुत सुंदर मूर्ति थी उसकी बनाई है, और फ्लोटिंग स्टोन की भी कैसे ना कैसे करके बना ली है, ये मत कहना। चलो कोई नहीं, और अभी हमारे साथ वाले लोग भी आ रहे हैं, पीछे महादेव है, हर हर महादेव। और चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ओके, और भाई ये व्लॉग एंड करते हैं हम एक चाय के साथ। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। हर हर महादेव, जय श्री राम।